कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। चंबल नदी के साथ यमुना के जलस्तर में भी गुरुवार और शुक्रवार को बढ़ोतरी शुरू हो गई है, जबकि यमुना नदी के पानी से आधा दर्जन गांव प्रभावित हुआ है। हालांकि अभी तक कोई जनहानि की सूचना नहीं है। शहर के कालीवाहन मंदिर पर झंडे वाला कुंड पानी में डूब गया है और मंदिर परिसर तक पानी पहुँच गया है, लेकिन घूमनपुरा गांव के निचले ऊपरी भागों में व कालीबाह ग्वालियर मार्ग पर रोड तक पानी भर गया है। वहीं यमुना घाट पर हनुमान मंदिर पर का घाट पानी में डूब गया है, जबकि शमशान घाट के आसपास भी चारों तरफ पानी ही पानी है। अरहर बाजरा की फसल किसानों की बर्बाद हुई है, किसान भयभीत हैं। हालांकि प्रशासन व्यवस्था करने में जुटा हुआ है। देर रात से पानी भरना शुरू हुआ था और ग्राम मड़िया कमेड भटपुरा जरहोली मिहोली रामपुरा आसपास के गांव में हजारों एकड़ की फसल पानी में डूब गई है। गांव के बाद सुरक्षित स्थान पर कैंप लगाकर बाद शेल्टर होम में राशन पानी आदि की व्यवस्था की गई। हाँ बच्चे भी हैं, सात लोग बता रहे, तीन लोग सामने वाले घर में नहीं रहने की जगह है। सर क्या ना यहाँ पूरे गाँव में जल भराव की स्थिति, बाढ़ जैसी स्थिति है, इसमें प्रशासन की क्या इस समय मदद दी जा रही है? एक तो यह देखिए, अभी तो जो हम लोग यहाँ है, जानकारी ये है कि 6 लोग अभी फंसे हुए हैं, उनको हम लोग रेस्क्यू करने की व्यवस्था कर रहे हैं। बाकी इनके लिए हमने जितने भी परिवार ऐसे अगर फंसेंगे उनके लिए हमने शेल्टर होम में व्यवस्था की है, वहाँ रहने खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है कि किसी आदमी को कोई तकलीफ नहीं होगी। सभी पानी भर गया है, इसमें करीब 4-4, 5-5 फीट इसमें घरों में पानी भर गया। उनके पास किसी प्रकार की कोई व्यवस्थाएं नहीं, खाने पीने की कोई व्यवस्थाएं नहीं है। कल भी यही स्थिति थी, आज और ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसे में और क्या मदद हो? इसमें देखिए यही है कि यहाँ से जैसे जैसे हम लोग परिवार को देख रहे हैं जिनके घरों में पानी भर गया, उनको हम लोग यहाँ से निकालेंगे और शेल्टर होम में सुंदरपुर में पूरी व्यवस्था है, वहाँ रह सकेंगे जितने दिन भी रहना चाहेंगे। यहाँ से जब तक पानी कम नहीं होगा वो लोग वहीं रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब ये देखिए जैसे जैसे नदी का जैसे शाम में इसका फ्लो बढ़ जाता है, तो अब जब तक बारिश अगर रुक जाएगी तो ये आगे नदी कम हो जाएगा, शमशान घाट निकालने की व्यवस्था की जाएगी। ये जानकारी में आ गया हम लोग के, इसकी पानी निकाली जाएगी। नहीं, यहाँ ये नगर पालिका की टीम अभी लगाई जाएगी, उसकी व्यवस्था करेंगे, उसको चलाने की व्यवस्था करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पानी के टैंकर लगाए जाएंगे और यहाँ पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए।